इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोकला मंडल मधुबन उदयपुर। उदयपुर के बेदला लखावली रोड पर भवर वाटिका में काम करने वाले युवक की संदिग्ध मौत पर देवड़ा नोबल सोसाइटी ने जमकर आक्रोश जताया है। प्रशासन से मेडिकल बोर्ड से पीएम रवाना करने के साथ ही इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। गुरुवार को इस महेंद्र सिंह नाम के युवक की लाश वाटिका बिल्डिंग के पास पड़ी थी, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग की थी, लेकिन पुलिस का शुरुआती सहयोग नकारात्मक लगने से मामला आक्रोशित हो गया। इसी को लेकर शुक्रवार सुबह सैकड़ों की तादाद में देवड़ा नोबेल सोसाइटी के बैनर तले सवा जन कलेक्ट्री पहुंचे। मृतक के परिजनों के साथ समाज के लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। साथ ही मृतक आश्रित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग उठाई। समाज के मोतबीरों ने बताया कि देवड़ों का खेड़ा निवासी महेंद्र सिंह 6-7 दिन पूर्व ही भवर वाटिका में कान सिंह उर्फ कन्नू के यहाँ काम के सिलसिले में आया था, जिसकी गुरुवार को वाटिका पर बने भवन की खिड़की से गिरने से मौत होना बताया गया। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया है, जबकि परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। देवड़ा नोबेल सोसाइटी के केंद्रीय अध्यक्ष फतेह सिंह देवड़ा, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के चंद्रवीर सिंह करेलिया, देवारी उपसरपंच चंदन सिंह, जीवन सिंह सेनवाड़ा, उदय सिंह, सुमेर सिंह, निर्भय सिंह समेत कई पदाधिकारियों ने एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही, जिस पर बाद में प्रशासन हरकत में आया। समाजजनों की मांग को देख प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड गठित किया। वहीं घटना के बाद से भूमिगत वाटिका संचालक को भी पुलिस मौजूदगी में समाजजनों से मुखातिब कराया गया, ताकि वास्तविकता सामने आ सके। कल 19 तारीख की बात है, ये मेरे गांव के पड़ोस में देवड़ाखड़ा का निवासी है महेंद्र सिंह, जो मृतक है, ये अपने काम के लिए यहाँ अपने बेदला स्थित कोई भंवर वाटिका करके हैं, उसमें कार्यरत था पिछले 7-8 दिन से। तो इनके कल भंवर वाटिका के मालिक कान सिंह द्वारा फ़ोन किया जाता है इनके भाई को कि तुम्हारा भाई ऊपर से गिरने से मौत हो गई है और उसको ले जाओ, जिस पर इसके परिवारजन और भाई दोनों वहाँ आते हैं और वहाँ देखते हैं। तब तक पुलिस मौके पे खड़ी रहती है और उस पुलिस की मध्यस्थता में बॉडी को उठा दिया जाता है। परिवार वाले पूरे पहुंचते भी नहीं है और परिवार वालों की अनुमति नहीं की जाती, उससे पहले बॉडी को उठा ली जाती है और फिर कहते हैं, पुलिस वाले भी कहते हैं कि ये तो स्वयं सुसाइड है और आप थाने पे आ जाओ, रिपोर्ट दर्ज करवा दो। थाने पे गए, रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके बाद में पुलिस वालों ने कहा कि मोर्चरी में आ जाओ, एमबीओ मोर्चरी, वहाँ डेथ बॉडी का वो पीएम करवा देते हैं और लाश को ले जाओ, अंतिम संस्कार कर दो। मैं खुद स्वयं वहाँ पहुँचा, मोर्चरी में गया, डेथ बॉडी को देखा तो डेथ बॉडी की आँखों पे घाव के निशान है, आँखों में खून भरे हुए हैं, मुँह से खून आ रहा है, नाक पे चोट के निशान है, पेट पे काफ़ी चोटें थी, पीछे पैर में चोट है। तो ये अंदेशा जाता है कि ये एक हत्या है, आत्महत्या नहीं है, क्योंकि 15 फीट से गिरने पर इतनी चोटें नहीं आती है और इतना खून, पूरा मुंह सना हुआ था खून से। अब शक है तो पुलिस अनुसंधान करेगी, वाटिका मालिक पे शक जा रहा है, क्योंकि वाटिका मालिक ने बुलाया, वाटिका मालिक मौके पे नहीं था। कल से हम प्रेशर कर रहे हैं कि वाटिका मालिक को बुलाओ, वार्तालाप करते हैं, पुलिस मध्यस्थता में करते हैं, लेकिन वाटिका मालिक नहीं आ रहा और पुलिस भी ध्यान नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि आत्महत्या अगर कोई करता है तो परेशान होता है, हाँ, अपने परिवार को कुछ बात बताता है, फोन पे कुछ कहता है, या हाँ, सुसाइड नोट होता है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। परिवार भोला भाला परिवार है, दो बच्चे हैं उसके और सिंपल परिवार से बिलोंग करता है वो और खेती बाड़ी पे निर्भर है वो। अभी हम यही चाहते हैं कानून पुलिस प्रशासन से कि परिवार को उचित न्याय दिलाया जाए और ये कानूनी निष्पक्ष जांच की जाए और मर्डर केस है ये। मेरा भाई की हत्या की हत्या हुई गई है, उसके निष्पक्ष जांच की जाए और मेरे को न्याय दिलाया जाए। क्या हुआ था और उससे आपको सूचना मिली उसके? मेरे को मतलब 12 बजे ये 12:50 पे फोन करके बुलाया गया कि आपके भाई ऊपर से गिर के नीचे मर गया है, नीचे गिर गया है। लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा, देखा तो वो नीचे गिरा हुआ था और मैं वहाँ पहुँचा तब तक पुलिस ने वहाँ से बॉडी भी हटा दी थी और बाद में उसकी बॉडी देखी तो उसमें मारपीट के निशान है पूरे शरीर पे और उसके साथ मारपीट की गई है। और मेरे को मैं यही अर्जी करना चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटी, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट,
डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए केश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। बालकनी व हॉल के लिए विभिन्न प्रकार के झूले उपलब्ध हैं। बेटी के विवाह के लिए विशेष पैकेज, डबल बेड, गद्दा व तकिए मात्र 15,500 में। डबल बेड, गद्दा, तकिया, अलमारी व ड्रेसिंग टेबल मात्र 29,500 में। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवा कर सोफा बनवाई। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरण मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262।